तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान खान और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही मजेदार से होने लगी क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं कराची वर्सेस मुंबई वर्सेस ढाका सिटी कंपैरिजन। तो चलकर देख लेते हैं वीडियो। लेकिन अगर आप लोग उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे उस पर बातें। तो लेट्स प्ले। ओ कराची वर्सेस मुंबई वर्सेस ढाका हैवी डिस्कस। कराची मुंबई ढाका देखते हैं कौन आगे है भाई। तीनों ये सिटी में तो इसका एस्केपर बहुत है। हाँ, इट इज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और ये इंडिया का है फाइनेंशियल कैपिटल। कैपिटल बांग्लादेश। हाँ, लार्जेस्ट सिटी तीनों लार्जेस्ट सिटी है बिल्कुल। पॉपुलेशन देखते हैं हम। ओ ढाका की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी ढाका यार। एरिया कराची का तो एरिया काफी ज्यादा है, मुंबई का भी काफी कम है। कराची से सबसे कम एरिया ढाका का लाइन से लगा है, पहले कराची फिर मुंबई फिर ढाका। लेटेस्ट रेट देखते हैं। नंबर वन पे मुंबई, हालांकि तीनों सिटी का काफी कमाल का है लेटेस्ट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मुंबई की ज्यादा है भाई, कराची की बहुत ही कम है। मतलब ढाका और मुंबई के तकरीबन सेम है। अनएम्प्लॉयमेंट कराची में सबसे ज्यादा है। क्राइम ढाका में ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू द मुंबई जीडीपी देयर नो प्रॉपर सिंस 2011। ओके हम 2019 में इसकी जीडीपी है 164 पीपीपी के हिसाब से। अच्छा नॉमिनल है 21। मुंबई के तो तकरीबन 400 के ऊपर हो गया। हिंदी बंगाली उर्दू लैंग्वेज। इस्लाम हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी हिंदुइज्म इस्लाम क्रिश्चियन बीच पर माइग्रेंट बहुत ही यार फेमस प्लेस हुए। राम मंदिर खाने के तीनों तक की बहुत इकमाल थी। अच्छी बिरयानी। निक नेम ऑफ सिटीज सिटी ऑफ स्क्वायर सेवन आइलैंड। हाँ इसका भी ये भी नाम है और ड्रीम भी नाम है। मुंबई में सबसे ज्यादा आते हैं यार, करोड़ों में पहुंच चुका मुंबई में। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म हो गया एंड आप लोग प्लीज बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो बहुत ही कमाल की, बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी। हालांकि तीनों सिटी अपनी अपनी कंट्री की भाई मेन सिटी है, तो मतलब मेन ही सिटी यहीं है। सबसे ज्यादा इसका स्क्रैपर तीनों सिटी में यहीं पे है। और फाइनेंशियल कैपिटल जैसे पाकिस्तान का कराची है, वैसे इंडिया का मुंबई है, और लेकिन कैपिटल सिटी बांग्लादेश की ढाका है। और भाई लार्जेस्ट सिटी दोनों मतलब तीनों जगह की सबसे नंबर वन लार्जेस्ट सिटी है पॉपुलेशन में भी। पॉपुलेशन में भी और मुझे ये बड़ा शॉकिंग लगा कि मुझे लगा कि पॉपुलेशन मुंबई की ज़्यादा होगी, लेकिन ढाका तो मुंबई से भी आगे हो गया। तकरीबन 1 मिलियन का तकरीबन फ़र्क पड़ चुका था ये। मतलब ढाका की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है यार। लेकिन एरिया में कराची नंबर वन पे था, फिर दूसरे पे मुंबई, फिर तीसरे में ढाका। और लिटरेसी नो डाउट लिटरेसी अब ढाका का भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका, मुंबई का भी तकरीबन 80%। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क था यार कि मतलब कराची का तो बहुत ही ज़्यादा कम था। मतलब ढाका और मुंबई के तकरीबन सेम ही है, लेकिन कराची का बहुत ही ज़्यादा था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी कराची आगे था, बाकी मुंबई और ढाका समझ तकरीबन सेम ही था, लेकिन कराची का काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। क्राइम रेट में ढाका बहुत ही आगे था, ये बड़ा शॉकिंग था। और बाकी फिर फेमस प्लेसेस दिखाए थे बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा थे तीनों तरफ के, काफ़ी ज़्यादा मैंने नाम भी सुने हैं दोनों ही तरफ।
तीनों ही तरफ काफी ज्यादा मैंने कराची और ढाका का भी फेमस प्लेसेस का नाम सुना, मुंबई का तो जानता ही हूँ, एहसान मंजिल और ये सब, क्लिफ्टन बीच, मुझे कराची की बहुत ज्यादा पसंद है। खाने पीने की चीज भी दिखाई, खाने पीने की चीज तो सभी जगह की अच्छी होती और बहुत ही अच्छा कंपेरिजन लगा। फर्स्ट टाइम मैंने कंपेरिजन किया था ये तीनों सिटी का, आज तक मैं तीनों सिटी का आज तक कभी कंपेरिजन नहीं किया, फर्स्ट टाइम कंपेरिजन काफी कमाल लगा, तीनों सिटी ने काफी ज्यादा टक्कर दिया। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।